देख नहीं रहे आप, मेरे से एक चेन बनेगा, मैं अगर 2-3 लोगों को रोजगार दूंगी एंड फिर जाके मैं अगर 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगी तो वो 1000 लोगों को रोजगार देंगे। आप चेन बनते हुए देख सकते हैं सर। चाय बेचकर क्या नौकरी वाले से ज्यादा कमा लेती है कि नौकरी वाले से कम? सर आई एम क्रिएटिंग अ जॉब, आई एम नॉट अ जॉब सीकर। लड़कियों को चाय बेचते हुए लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये चाय क्यों बेच रही है? तो घर में तो चाय बनाती है ना लड़कियां, तब तो कोई कुछ नहीं सोचता। तो वही लड़की अगर सड़क पर चाय बना के बेचे तो क्या गलत है? डेफिनेटली चलेगा। मेरा मोटिव ये थोड़ी ना था कि चाय का ठेला लगाना पब्लिसिटी के लिए, मुझे अपना खुद का कुछ करना था। तस्वीरों में आप जिस लड़की को देख रहे हैं, लड़की इस समय चाय बेचते हुए सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इनका जो दुकान है पटना वुमेन्स कॉलेज के पास में है, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं वो चाय पीने के लिए आते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी चाय बेच रही है। इनसे हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, चाय बेचना क्या आपका शौक है या फिर ये बेरोजगारी का कारण है? आत्मनिर्भर बनना था तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, वैसा उनके कहने के अनुसार आप कर रहे हैं? सर आई एम क्रिएटिंग अ जॉब, आई एम नॉट अ जॉब सीकर। अच्छा देख नहीं रहे आप, मेरे से एक चेन बनेगा, मैं अगर 2-3 लोगों को रोजगार दूंगी एंड फिर जाके मैं अगर 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगी तो वो 1000 लोगों को रोजगार देंगे। आप चेन बनते हुए देख सकते हैं सर। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती ना रोजगार देना। अच्छा प्रियंका जी, लड़कियों को चाय बेचते हुए लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये चाय क्यों बेच रही है? तो घर में तो चाय बनाती है ना लड़कियां, तब तो कोई कुछ नहीं सोचता। तो वही लड़की अगर सड़क पर चाय बना के बेचे तो क्या गलत है? क्या गलत है सर? अच्छा एंड आई डोंट केयर अबाउट पीपल। अच्छा ये बताइए, आपका चाय में खास क्या है? मेरे चाय में तो सर अभी जो डिफरेंट फ्लेवर्स के टी थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, दूसरे स्टेट से आता है उसका चाय पत्ती, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन। अच्छा मैंने सुना कि आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो क्या नौकरी वोकरी के बारे में नहीं सोची क्या आप? जरूरी थोड़ी है, आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपको नौकरी ही करनी है। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत जगह काम आई, मैंने यहाँ पर 2-3 महीने मार्केटिंग रिसर्च की, प्रॉपर प्लानिंग की, सब कुछ देखा था। अगर पढ़ी लिखी हूँ तभी तो, नहीं पढ़ी लिखी तो क्या पता होता क्या करना है नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई आपका हर जगह काम आता है, जरूरी नहीं आप पढ़ लिख लिया तो आपको ठप्पा लग गया कि सरकारी नौकरी ही करनी। अच्छा आपके मम्मी पापा कभी ऐसा नहीं सोचे कि बेटी जो है चाय बेच रही है, कभी उनको ऐसा लगा होगा? नहीं बताया था, बाद में पता चला तो बाद में पता चला। अच्छा ये बताइए, आगे भी आप चाय ही बेचेंगे कि कुछ और सोचे हैं? आगे चाय को ही आगे बढ़ाना है, बिजनेस ब्रांड बनाना है। अच्छा बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, 1-2 महीने तक लोग जानते हैं, खूब भीड़ होता है, तो क्या बाद में आपको लग रहा है कि ऐसा दुकान चलेगा? मैंने पहले कभी खुद सोचा ही नहीं था कि मेरे दुकान पे ऐसा कुछ होगा। जब मेरा मोटिव ही वो नहीं था पब्लिसिटी पाना, तो आगे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी सर? मेरा है कि मुझे कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो मेरा बिजनेस चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। मेरा मोटिव ये थोड़ी ना था कि चाय का ठेला लगाना पब्लिसिटी के लिए, मुझे अपना खुद का कुछ करना था। अच्छा। तो मैंने किया। अच्छा, प्रियंका जी आप ये बताइए कि चाय बेचकर क्या नौकरी वाले से ज्यादा कमा लेती है कि नौकरी वाले से कम? सर अब क्या बताएं उसके बारे में, कितना मतलब अच्छा खासा कमा लेती है, घर अच्छा से चल पाता है इससे? मेरा घर मेरे से कमाई से नहीं चलता है, मेरा घर खुद अच्छा खासा, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है मेरे घर वाले। ये मेरा खुद का डिसीजन था। अच्छा यानी कि आपका शौक है कि मैं चाय बेचूं? क्यों शौक नहीं है, मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना था। मम्मी पापा का पैसा मेरा थोड़ी ना है, वही तो। अच्छा तो लगभग कितना कमा लेते हैं चाय बेचकर? अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है, अच्छे खासे कमा लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि चाय लोग पीने के लिए तमाम, आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलते हैं और कब? सुबह मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक। अच्छा अभी जाने ही वाला है। अच्छा ये बताइए, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, जैसा कि आपने स्लोगन भी लगा रखा? नहीं सोच, अगर ऐसा लगता तो आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे होते, हम यहाँ चाय का स्टॉल थोड़ी ना लगा रहे हैं। अच्छा क्या आपको लगता है कि आपको देखकर और भी जो लड़कियाँ हैं वो इस तरीके से सामने आएगी? हाँ सर, आइडिया सबके पास होते हैं, मैंने कुछ थोड़ी ना डिफरेंट किया है। बस उनमें मुझ में एक ही डिफरेंस है कि मैंने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया, वो लोग नहीं कर पाते हैं, और अब उनमें हिम्मत आएगी। हाँ। अच्छा कहा जाता है कि बिहार के लोग काफी सपोर्टिव होते हैं, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है बिहारियों से? बिहार से ही क्या सर, पूरे इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है, पूरे इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा यानी कि आपके पास पटना के अलावा और भी राज्य से लोग आ रहे हैं? नहीं हाँ और भी स्टेट से आ रहे हैं। जैसे कि आप कोई एग्जांपल बता सकते? जैसे सर झारखंड से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, इन सब स्टेट से आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। अच्छा तो जैसा कि आप देख सकते हैं चाय बेच रही है, कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये बताइए आप लोग चाय पी रहे हैं इसमें? यस भैया चाय पी रहे हैं। कैसा लग रहा है चाय इसमें? चाय ठीक है भैया। चाय अच्छा है? चाय अच्छा है। अच्छा इन्हें देखकर कभी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पढ़ने लिखने के बाद में ये चाय बेच रही है? नहीं भैया ऐसा नहीं है, चाय बेचना ही चाहिए। चाय बेचना ही चाहिए? हाँ। अच्छा गरीबी को कोई भी हो करना चाहिए, काम करना ही चाहिए जैसा भी हो। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पटना वुमेन्स कॉलेज के पास में ये दुकान है। ये लड़की इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है जो पढ़ने लिखने के बाद भी चाय बेच रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।